बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आफिस फ्रॉम शहजाद। नाज़रीन मोची गेट के अंदर मैं मौजूद हूं, जहां पर एक नाखुशगवार वाक़िया कल पेश आया कि दामाद ने अपने ससुराल के घर को जला दिया। देख सकते हैं ये तीन मंजिला मकान है, इसको पूरा जला दिया गया। जलाने की वजह के जो इंकशाफात सामने आए वो इंतहाई संगीन है। इस घर के सरबराह मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानती हैं कि दामाद ने इस तरह की हरकत क्यों की। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो बहुत अफसोसनाक वाक़िया था, क्या ऐसी वजह हुई कि उसने घर पे चला दिया? बेटा वजह ये हुई है कि चंद माह पहले इसकी शादी की थी, मैंने निकाह किया था, बच्ची पहले निकाह किया था, उसके बाद में उसने बहुत अच्छा हमारे साथ उसका देख था, जिसने भी करवाया रिश्ता किसी को क्या कहते थे रिश्ता करवा उसकी वजह से यही हमें बताया गया, ये तो हमें बताया गया ऑटो फैमिली। मैं अच्छा चलो बच्चा अच्छा है, नहीं है कारोबारी होगा यहाँ पर। बाकी उसने बताया कि मैं भेज रहे होता हूँ ग्रीन से, मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पर काम करता हूँ, जो भी काम मिल जाए मैं कर देता हूँ यहाँ पर, मैं भी बच्चा हूँ। ठीक है, ये इंटरव्यू उसने दिया। उसके बाद कुछ 7 माह गुजरे हैं, तो बच्ची से गए तो मुझे पासपोर्ट दे दो, किरानी पासपोर्ट है वो दे दो, मैंने आपको ले कर जाना। उसने बोला आपने पासपोर्ट क्या करना है, आपने मुझे क्यों ले कर जाना है? नहीं मैंने आपको लेके जाना है, बाहर जाना और करना भी नहीं है, मैंने नहीं जाना था। नहीं मैं तो बेटी कहती थी मैंने बाहर नहीं जाना वगैरह था, मैंने बाहर लेकर जाना ये अपने शादी के 7 माह बाद 5 या 7 माह बाद इसने ये मुतालबा करना शुरू कर दिया। एक दो बार उसने आगे माँ बाप से बात की, उन्होंने वो कर दी, उसने बोला कि ये काम जो है ना हमने नहीं कर देना, हमने जाना है, अपनी बच्ची को क्यों बाहर भेजी, क्योंकि तेरी रजामंदी ने हम क्यों भेजी, बस ऐसे बात में वो अपना घर चली जाती थी। क्योंकि एक दिन उसने हमारा को मार के ऊपर चला क्या होने वाला था, उसने बताया हो गया, अच्छा बताया वो पास कराया, वो कह रहा हाँ 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 आपने बच्ची ने आपको बताया आपके क्या मारा था? मारा था उसने, बहुत इंतहा मारा था, उसकी वजह से बच्चा बताया उसको, हम उसने फोन किया, हम साया ने फोन किया, हम लेने गए भाई बहन भाई लेने गए बाप लेने गए उसको दिए हैं घर, ना करवाते तो गैर बन जाना था, खराब हो जाना था सारा। फिर उसको बताया लाख उसने हॉस्पिटल उसको बताया ये क्या किया तुमने, उसने कहा तो आपने ये क्यों किया, आपने ये आपने खुद किया, हम पे उल्ट इल्ज़ाम लगाए थे आपने खुद किया, हमने कहा हमने कहा थे ये सब मुकर के ना मैंने मारा ना कुछ बोले वगैरह बोले वगैरह हर चीज़ हो जब आते मुझे। उसके बाद उसने कहा उसको फैमिली हॉस्पिटल, उसके बाद उसने कहा कि मैं आपको तो नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, हम धमकी वगैरह उसको भाई के साथ बेटे बरीजे के साथ उसने बातें मेरी की, बोला फोन मारा अभी लड़ाई की उसने, क्योंकि उसके बाद घर आ गए घर आने ना तो 2-4 दिन बाद उसने फैदल कर दिए करते बेटे बड़े बेटे से शॉप से आ जाते हैं यहाँ पर फैली की उसने, वो भी सेफ्टी के कैमरों से निकाला था वो भी। उसके बाद फिर अपना ये फैमिली थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, ये कृष्ण नगर में चली गई, वहाँ पे भी इसने फायरिंग की है, वहाँ पे भी खर्चा इसके ऊपर हो जाए, यहाँ पर बड़ी गेट में भी हो जाए। इसके बाद ना ये परसों रात को ये सोए हुए थे, उसने बोला था कि मैं किसी को नहीं छोड़ा, आपने मेरा घर भी खराब किया, मैंने आपको खराब कर दिया, हमें क्या पता ये इतने बड़ा था। अच्छा आपकी बच्ची थे शादी के बाद एक बेटी है वो शादी था उसके अच्छा दूसरा आपको आया तो उसने आग लगा दी, आग लगा दी ये तो सोए हुए थे, एक दिन 2-3 1 माह के अंदर सारा कुछ हुआ, एक माह के अंदर सारा कुछ हुआ। उस लड़के की रिहाइश क्या वो कहते हैं, यही कहते हैं कि वो इधर है लालपुर के पास, हमने तो घर पर भी नहीं देखा, अपनी बच्ची की शादी करती करता नहीं पता घर पर पता, उन्होंने कौन माँ बाप ने पास लिखा होगा घर, और किसी ने नहीं लिखा, और किसी बहन भाई नहीं है किसी ने लिखा होगा होना क्या, हम हमारे मिलने वाले हैं ठीक है, माँ बाप ने किया था अच्छी बात, अपनी बच्ची को सेफ की है। जब आग लगी तो किस तरह पता लगा, आग लगी है तो ये भाई मेरा ये आग है भाई उठा उसने देखा स्मेल कर रहा था, मुझे भी शोर इतना मारने लगा से आ गया नीचे से ऊपर गिर जाता है, नीचे से सारा कुछ आगे किया या पीछे बैग भी या दिए कौन कर रहे थे, सारी फैमिली थी 6-7-8 ये बच्चा भी साथ है, ये खराब
काम करता था। एक बच्चा वह जो सब जला हुआ है वो बाहर गया हुआ था शोरमा वगैरह दे, वो आया तो उसने लिखा कि आग लगी है, अपने माँ बाप को पता है कहीं तब वो इधर मौजूद था कि भाग गया था। वो मेरा हर भाग गया, उसने देखा कहता मैंने एक दो बंदों को भागते देखा ही। अच्छा, वहीं तो वहीं इतना उस पर आपको हुआ कि उसने आग उसने लगाई? हाँ, क्योंकि ये एक माह के अंदर अंदर एक दो डेढ़ माह के अंदर अंदर सारा काम हुआ, इससे पहले कुछ भी ज़्यादा मेन होता है एकदम तो ऐसी जख्मी होने की इतला। हाँ जी, जख्मी कौन होगा? छोटा बेटा है, छोटा बेटा नहीं जाने रहा। हॉस्पिटल में कैसी हालत है? हालत ये है, ये अभी उसकी गाड़ी का भी नर्स देखिए बहुत ज़्यादा कहते हैं, ये देखिए अभी ताजी ताजी देखिए। ये दादी फुलते ही है, जो उनके हाथ वगैरह जले हुए हैं वो भी दिख रहे हैं। जैसे वो खड़ा नहीं होता वैसे बना, वहाँ से उन्होंने छाले लगा दिए सारे दोनों घर मजेदारों ने सीढ़ी लगा दो निकाला, तो ये सारे मजेदारों ने आधे घंटे घंटे बाद जो कोई जगह भी आ गए उन्होंने लगा दिया। सजा ऐसी मिलनी चाहिए पता चले देख सकते हैं कि एक जवान बेटा जिसके हाथ पूरी तरह जल चुके हैं, हॉस्पिटल में उसकी हालत भी वो भी सीरियस है। आप ये घर भी देख सकते हैं, वजह क्या थी कि बस बाहर लेकर जाना चाहता था उनको, बेटी की वो पार्टी जाना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से उसने घर में आकर आग लगा दी और पूरा घर तीन मंजिला घर में जलकर आकर ढेर बढ़ चुका है। पहले खाना थे उन्होंने साथ वाले अपने प्लान के जाने बचाई हैं, तो इनका मुतालबा ये है कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आफिस को शहजाद को दीजिए इजाज़त खाना लेकर।